बात करेंगे इंदौर जिले की, जहां एक और नवाचार से अपना नाम गौरवान्वित करने में कहीं ना कहीं सफल होता हुआ इंदौर जिला आज इंदौर नो कार डे मना रहा है। स्वच्छता और ट्रैफिक कंट्रोल के लिहाज से बेहतरीन कदम इंदौर का। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो कि दिख नजर भी आता है। नगर निगम महापौर का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर, जिसकी जानकारी सामने आ रही है। जनप्रतिनिधियों का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर होना है आज। जनता ने भी नो कार डे को अच्छा खासा समर्थन दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोगों को जोड़ने का ये महत्वपूर्ण अभियान, साथ ही साथ इसके पीछे ये भी एक कारण कि स्वच्छता में तो नंबर वन है ही, लेकिन AQI इंडेक्स में भी लगातार शुद्ध हवा के साथ, शुद्ध वातावरण के साथ इंदौर को सबसे टॉप पर रखा जा सके, इसकी एक कवायद लगातार बनी हुई है। पिछले रैंकिंग में टॉप पर आया भी, लेकिन इसे मेंटेन करना बहुत जरूरी, और इसी के चलते नो कार डे मनाने का फैसला किया गया। आपको बताएं कि कवायद एक महीने पहले से चलती आ रही थी, ऐलान किया जा चुका था, इसे लेकर पत्र भी जारी हुए और जनता का भी भरपूर समर्थन था। एयर पॉल्यूशन कम करने की कोशिश, ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ आम लोग बल्कि तमाम बड़े अधिकारी भी आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही सफर कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इंदौर के लिहाज से, एक तरफ स्वच्छता में तो लगातार कीर्तिमान रच ही रहा है इंदौर शहर, साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन को कम करने के दिशा में एक और बेहतरीन कदम। सीधे इंदौर आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कितना असर नजर आता है यहां पर नो कार डे का? इंदौर हमेशा नवाचार के लिए और नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। स्वच्छता में नंबर वन आने के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए नो कार डे की प्लानिंग की गई। इसका जनता का अच्छा खासा इसको लेकर के समर्थन मिल रहा है। अभी हम रेसकोर्स रोड पे मौजूद हैं। यह कारों के ट्रैफिक को लेकर जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रैफिक नहीं है। आप देख सकते हैं कि सड़कें पूरी खाली हैं और जो लोग दिख रहे हैं वो टू व्हीलर पे हैं और इक्का दुक्का इमरजेंसी वाले लोग ही कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनता का पूरा इस नो कार डे की मुहिम को समर्थन मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से निजात मिलेगी। कलेक्टर इंदौर, महापौर इंदौर, कमिश्नर इंदौर, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, सारे लोग जो है वो कार का इस्तेमाल न करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं। कुछ लोग साइकिलों से ऑफिस गए हैं, कुछ लोग टू व्हीलर से ऑफिस गए हैं। लगातार इस तरीके की मुहिम का इंदौर समर्थन कर रहा है और इंदौर नवाचार के लिए जाना जाता है। हर बार नए प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं, नई चीजें की जाती हैं और इसमें पब्लिक की भागीदारी, पब्लिक की इच्छा शक्ति भी उतनी ही प्रशासन के साथ है और दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों का इसको समर्थन है। सारे जनप्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया है और सभी का ये कहना है कि इंदौर में नो कार डे की मुहिम को सफल करना है। इस मुहिम के लिए स्टूडेंट्स हो गए, यूथ हो गए, बुजुर्ग हो गए, हर तबके का आदमी इसमें सहयोग कर रहा है। इंदौर की जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं आज वो ट्रैफिक के लिहाज से खाली हैं। आज कहीं ट्रैफिक जाम नहीं है, सड़कों पे कारें कम नजर आ रही हैं, मतलब न के बराबर नजर आ रही है। इमरजेंसी सर्विसेज वाले ही निकल रहे हैं और ये स्वैच्छिक रूप से हो रहा है। किसी के लिए कोई दबाव नहीं है, किसी के लिए कोई नियम नहीं है। एक शहर के सहयोग के लिए, एक नवाचार के लिए, एक इनिशिएटिव के लिए ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं और इसको लेकर के इंदौर में खासा उत्साह भी है। निश्चित तौर पर बेहतरीन और सकारात्मक पहल हिमांशु, अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, और अन्य जिलों को सीख भी लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। और अब उज्जैन का जिक्र कर लेते, एक और आपराधिक घटना यहां पर घटी है। घर पर सो रही बच्ची को बदमाश घर से अगवा कर उठा ले गए। अचानक मां की नींद खुली तो मां ने शोर मचाना शुरू किया। डर के कारण बदमाश बच्ची को बीच रास्ते में छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलती है, उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची, सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। माता पिता से भी पूछताछ की कोशिश चल रही है कि आखिर क्या हुआ है मौके पर। उज्जैन की ये घटना हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। घर में घुसकर बच्ची को अगवा कर ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला साबित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल होते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल होते हैं कि क्या यहाँ पर बदमाश इतने बेखौफ हैं कि सरेआम घर में घुसकर बच्ची को अगवा कर ले जाते हैं। अज्ञात है, पता नहीं पड़ा है। हम रात को 2 बजे सोए थे, वो रात को सोने के बाद रात को 2:30 या 3 के बीच में वो कोई घर में घुसा था, पीछे रास्ते से वो बच्ची को उठा ले गया था। सीसीटीवी सामने है, क्या कुछ दिख रहा है? सर अभी तो कह नहीं सकते, सेगा साफ नहीं है और आगे चल रही कार्रवाई। कैसे आपको बच्ची मिली फिर, किस तरह के ढूंढा वो? हम ढूंढ रहे थे, मैं तो थाने पे था, मेरी वाइफ आगे पूरा मोहल्ला था। हाँ। वो फिर उनको ढूंढा तो मतलब पीछे नाला है उधर मिला जोड़ो चिल्ला जोड़ो ना, तो भग गया। कितनी दूर लगभग मिली बच्ची? मत 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बस।
अजय पटवा का भी हम रुख कर लेते हैं। अजय, हैरान कर देने वाली वारदात इसलिए कि क्या यहाँ पर लोग इतने बेखौफ है कि घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे जाते हैं? जी देखिए, उज्जैन के चिवनगंज मंडी थाना क्षेत्र के ये कृष्ण विहार कॉलोनी का मामला है। यहाँ चंद्रावत परिवार रहते हैं, ये सो रहे थे घर में, उसी दौरान एक अज्ञात बदमाश जो है घर में पीछे के रास्ते से घुसता है और बच्ची जो है अपहरण कर उसको ले जाने का प्रयास करता है। इसी बीच जो बच्ची की माँ है उनकी नींद खुल जाती है और जब देखती है कि बच्ची वहां पर नहीं है, इसके बाद उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसके बाद बच्ची के पिता को भी जगाया जाता है, परिजन को उठाया जाता है। इसके बाद शोर मचाने पर पूरा मोहल्ला जाग जाता है और इसके बाद जब बदमाश कुछ ही दूरी पर जाकर घबराकर बच्ची को छोड़कर फरार हो जाता है। लेकिन जब पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे निकाले गए तो एक अज्ञात बदमाश बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अपना ये है कि आखिर इस बदमाश ने ऐसा कदम क्यों उठाया और बच्ची के उठाने के लिए घर के अंदर तक प्रवेश कर गया और ऐसा क्या कारण था। और इस पूरे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जा सकता है और जब तक उससे पूछताछ नहीं होगी इस विषय पर खुलासा नहीं हो पाएगा। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अजय इस पूरी जानकारी के लिए। एक और आपराधिक घटना उज्जैन का हम जिक्र कर रहे हैं, चौकसी बढ़ाने की जरूरत बताती है घटना। घर में बच्चे सुरक्षित नहीं है इस ओर सीधा इशारा करती हुई ये घटना चूंकि पुलिस के संज्ञान में भी आई है तो अब अपराधी की तलाश लगातार की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जो कि आसपास लगे हुए थे उनके जरिए अगर तस्वीरें कैद हुई हों तो उन तस्वीरों के जरिए भी अपराधी तक पहुंचने की कवायद पुलिस की तरफ से लगातार चल रही है। किस मंशा के साथ ये व्यक्ति घर में घुसा, उसके बाद बच्ची को कहां ले जाने की कोशिश कर रहा था, ये तमाम प्रमुख सवाल जो कि पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। हैरान कर देने वाली बात कि घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। इस बार मल्टी लेवल पार्किंग में वारदात हुई। बड़ी बात यह है कि इस मल्टी लेवल पार्किंग में एएसपी दफ्तर भी है। बताया ये जा रहा है कि नाबालिग से उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने दुष्कर्म किया है। गैंगरेप के सभी आरोपी को पकड़ भी लिया गया है और सूत्रों के मुताबिक जितनी भी जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि 17 साल की लड़की रायपुर के पास के गांव की रहने वाली है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके दोस्तों से मिलने के लिए जयस्तंभ चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में पहुंची थी। लड़की का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर किसी काम से चला गया और इसी बीच वहां मौजूद युवकों ने लड़की से गैंगरेप किया। आपको यह भी बताया कि करीब 20 दिन पहले रायपुर के मद्दरसौ थाना इलाके में भी दो बहनों के साथ गैंगरेप हुआ था और एक बार फिर से इसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति। सोमवार को जो अपने मल्टी लेवल पार्किंग है राज पैकेज के पास में, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग में जो सिकंदर नाम का आरोपी है, जो महिला की पूरे परिचित भी बता रही हैं, उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। और जब मंगलवार को महिला पहुँची, बालिका पहुँची वहाँ पे पीड़िता, तो वहाँ पे अन्य दो लड़के जो सिकंदर से पूरे परिचित थे और आते जाते रहते थे, उसमें से एक लड़के ने लड़की को कार में लेके गया और एक साथ में भी गया था, तो वो उसमें से एक लड़के ने संबंध बनाया। इस प्रकार से दो लड़के ने संबंध बनाया लड़की को अलग अलग टाइप में, और गार्ड के रूप में और कार में, और एक लड़के ने इसमें सहयोग किया। इस प्रकार से हमने तीन आरोपी अरेस्ट किए हैं इसमें। राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं और इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि ये मल्टी लेवल पार्किंग है और आप ये देख सकते हैं कि ये एडिशनल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है उनका ऑफिस है और यहाँ से आप ये मल्टी लेवल पार्किंग है और यहाँ इसके नीचे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर गैंग रेप की घटना हुई है और पिछले 20 दिनों में राजधानी रायपुर में ये दूसरी बड़ी घटना है। इसके पहले मंदिर हसौद में राखी के दिन गैंग रेप की घटना हुई थी और उसने पूरे राजधानी रायपुर को ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को दहला दिया था। और इसके बाद में कल 19 सितंबर की रात को यहाँ पर फिर से एक गैंग रेप की घटना हुई और ये शहर के हृदय स्थल यानी जयस्तंभ चौक है, वहाँ पर ये मल्टी लेवल पार्किंग है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी पार्क होती है और हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर ये घटना हुई है। यानी कि नीचे गार्ड रूम है और गार्ड रूम में जिन लोगों को पार्किंग का ठेका दिया गया था उन लोगों ने एक नाबालिग के साथ में गैंग रेप किया। अंदाजा लगे कि कितनी खौफनाक ये घटना है। यानी कि आप ये सोचिए कि अमूमन ये होता है कि दूर दराज में इस तरह की घटनाओं में ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि सुनसान में इस तरह की घटना हुई। राजधानी के रायपुर
यानी कि जो प्रदेश की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है और प्रदेश का हृदय स्थल है जयस्तंभ चौक, यहाँ से आप देखेंगे लगातार यहाँ पर ट्रैफिक आना जाना होता है। और ये मल्टी लेवल पार्किंग है जहाँ पर तमाम वीवीआईपी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और ये पुलिस अधीक्षक का दफ्तर है और उसके यहाँ पर जो है वो रात को यहाँ पर कल गैंगरेप की घटना हुई और सबसे बड़ी बात है कि आज वीवीआईपी मूवमेंट भी था और उसके बाद इस तरह की घटना जो है वो सोचने पे मजबूर करती है कि कहाँ पर जो है वो सुरक्षा है। तो ये आप देखेंगे और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें पार्किंग मैनेजर का बेटा है और दो अन्य लोग हैं वो जो नाबालिग है। तो आप देख सकते हैं कि दो फ्लोर नीचे एडिशनल एसपी के दफ्तर के नीचे ये जो पार्किंग है यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया और तीनों आरोपी। आगे बढ़ते हैं, अब सीहोर जिले का जिक्र करेंगे जहां बारिश का दौर लगातार चल रहा है। जिले में रात से जारी है बारिश और यहां पर 8 घंटे से करीब 4 इंच तक बारिश हो चुकी है। आष्टा सहित आसपास के क्षेत्र जहां पर पार्वती नदी भी उफान पर है, रामपुरा डैम में भी पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि अपने स्तर पर वो सावधानी बरतना शुरू कर दें क्योंकि निचले इलाके सबसे ज्यादा यहां पर गंभीर परेशानी से जूझ सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए सीहोर की, सड़कों पर पानी भर आया है, पार्वती नदी का पानी भी उफान पर है, आवाजाही वाला मार्ग है और ये भी जलमग्न होता हुआ। तो तस्वीरें सीहोर की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सीधी तस्वीरें अब आपको बीजेपी मुख्यालय से दिखा देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं। महिलाओं की तरफ से आज यहां पर मेगा आयोजन, महिला आरक्षण बिल को लेकर आज पूरे उत्साह के साथ बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन स्वागत यहां पर किया जाएगा। इस सिलसिले के साथ ही तमाम वरिष्ठ नेताओं का यहां पर पहुंचना हो रहा है। लगातार ये तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है। जेपी नड्डा को फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, उनकी तरफ से भी राज्यसभा में बहुत कड़ाई से वक्तव्य पेश किया गया, हर उस बात को स्पष्ट किया, बीजेपी की मंशा को स्पष्ट किया। बीजेपी मुख्यालय पर स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम, तमाम बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं यहां पर पहुंची हैं। बीजेपी से जुड़ी हुई महिलाएं जो कि इस कोशिश में महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से खासतौर पर कहें सांसदों का समर्थन भी मिला है, उसे लेकर आभार व्यक्त करना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। फॉर्च्यून गृहमंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर।